सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 अहम खबरें क्विक 25 में। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन की स्ट्राइक, बेलगोरोड के ग्रिवरोन शहर पर यूक्रेन ने की बारूदी बारिश। यूक्रेन के हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा, रूस के बेलगोरोड पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो पर रूस की जबरदस्त बमबारी, रूस ने खेरसोन पर गिराया फैब 500 बम, रूस के हमले में एम्युनिशन डिपो में आग लगी। रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में करीब 50 देशों की हुई बैठक, अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों के रक्षा मंत्रियों समेत सैन्य अफसरों ने वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बाखमुट छोड़ने का ऐलान किया। येवगेनी ने कहा है कि वैगनर के सैनिकों ने यूक्रेन के बाखमुट शहर के नियंत्रण मॉस्को को सौंपा। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का ड्रोन हमला, ज़ेलेंस्की ने कहा रूस के सभी 36 ड्रोन को मार गिराया गया। उत्तर कोरिया की चेतावनी के बाद भी दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाओं ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की, उत्तर कोरिया की सीमा के पास ड्रिल में जमकर बारूद बरसाया। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान, कहा रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन के होंगे कई टुकड़े। यूक्रेन का रूस पर मिसाइल से हमला, रूस के रोस्टोव के पास एयरबेस पर किया था हमला, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी मिसाइल को मार गिराया। रूस के कब्जे वाले ब्रिडियांस्क में यूक्रेन का जोरदार प्रहार, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से गोला बारूद डिपो पर किया हमला। रूस बेलारूस के बीच परमाणु डील पर मुहर, बेलारूस में तैनात होंगे रूस के एटमी हथियार, बेलारूस में टैक्टिकल एटम का बॉम्ब भी तैनात करेगा रूस। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से गिरी बिल्डिंग, कई गाड़ियों में भी लगी आग, आसपास की इमारतों को भारी नुकसान। पाकिस्तान में जारी सियासी बवाल के बीच इमरान खान के विदेश जाने पर रोक लगाई गई है, इमरान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। आज मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके जरिए केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा के लिए केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है, आज कांग्रेस नेताओं से केजरीवाल मिल सकते हैं। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे केजरीवाल, ममता, उद्धव, शरद पवार ने राज्यसभा में समर्थन देने का वादा किया है। विजिलेंस की रिपोर्ट में सीएम केजरीवाल के बंगले पर 52 करोड़ रुपए खर्च का दावा, आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट को बदनाम करने की कोशिश बताया। एलजी के आदेश पर विजिलेंस विभाग ने सीएम केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट सौंपी है, TV9 भारतवर्ष के पास वो रिपोर्ट मौजूद है। अहमदाबाद में बोले बागेश्वर बाबा, सनातन धर्म को मानने वालों को एक हो जाना चाहिए, उन्हें सनातन के लिए जागना होगा, नहीं तो अगली पीढ़ी में राम कथा नहीं होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन विरोधियों के तिरस्कार को वो जला देंगे, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार रहने को कहा है, 10 दिनों तक गुजरात में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से कहा हिंदू राष्ट्र से देश का कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की जरूरत है। कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हुई, 2 दिन पहले भी ज्वाला के एक बच्चे की मौत हुई थी, 27 मार्च को ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच केस की सुनवाई करेगी। 20 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, वहीं 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी।